देखिए ये है इंटरलॉकिंग, आइए मैं हल्का सा डेमो दिखा दूं आपको। एक तरफ वराह फेस है, एक तरफ नरसिंह फेस है, मैन ह्यूमन फिगर मिडिल में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक टेम्पल में सभी धर्मों को ऐड करके रखा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है ओल्ड ऑलवेज गोल्ड, ये रीजन है। अगर लास्ट के थ्री पार्ट क्लोज करते हैं तो ये होता है खजूर, यानी कि डेट पाम ट्री। अगर इन पार्टों को क्लोज कर दें तो ये होता है राह, यानी कि वे रास्ता। तो भाई ये है खजुराहो का शहर और मेन मंदिर ये है सामने की तरफ। अब इससे पहले हम लोग चार मंदिर करे आए हैं, वो थोड़े गांव की तरफ है और ये है मेन मार्केट खजुराहो की, और ये तरफ काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो अभी जाने वाले हैं हम मेन मंदिर में, इसमें तो इसके लिए भी हम लोगों ने गाइड किया है। पहले तो मेरा नमस्कार, मैं महेंद्र खरे, आज आपका गाइड। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा क्लियर केयरफुल आप मेरे को थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि देखिए आप सारे लोग काफ़ी हैं, अगर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो मेरी आवाज़ दब जाएगी और आप मुझे थोड़ा क्लियर नहीं सुन पाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये है खजुराहो का मेन पार्ट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। देखिए खजुराहो की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से टेम्पलों को तीन पार्ट दिए गए हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। तो वेस्टर्न है जो कि वेल मेंटेन और वेल प्रिजर्व, यही आपका यूनेस्को साइट है। जितना भी रॉक का एरिया आप देख रहे हैं, जितने भी रॉक की ये टेम्पल है, ऑल दिस टेम्पल अविल भाई चंदेला, ये सारा जो है चंदेलाओं द्वारा 9th to 12th century में कंस्ट्रक्शन किया गया है। चंदेलाओं के बाद आता है यहाँ बुंदेला, इसलिए पूरा एरिया बुंदेलखंड भी कहलाता है। तो ये जो वाइट टेम्पल है ये बुंदेला डायनेस्टी का है। बट इस टेम्पल को अगर आप गौर से देखें तो वन टेम्पल थ्री आर्किटेक्चर, यानी कि एक टेम्पल में तीन धर्मों को डेडिकेट किया गया है। सबसे टॉप आप देखें हिंदू आर्किटेक्चर, मिडिल सफागोडा, डाउन इस्लामिक मुस्लिम आर्किटेक्चर। लेकिन अगर आप इसको और गौर से देखते हैं तो इसकी वॉल आप देखिए, दीवार आप देखिए, दीवार पे ये जो आर्च बना हुआ है ये सिखिज्म को दर्शाता है, यानी गुरुद्वारा जैसा पार्ट है। उसी के लेफ्ट राइट में आप जो आर्च देख रहे हैं ये क्रिश्चनिटी को दर्शाता है, यानी क्रिश्चियन को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक टेम्पल में सभी धर्मों को ऐड करके रखा हुआ है, यानी कि सनातन जिसको बोला जाता है, सभी धर्मों का इकट्ठा समागमन, तो वही दिखाया गया है। लेकिन ये जो टेम्पल है ये 19th century का है, इसलिए इसमें लाइमस्टोन चूना लगा हुआ है। यहाँ के जो लोकल किंग थे प्रतापेश्वर, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। उसके बाद बिल्कुल फ्रंट पे ये सामने जो टेम्पल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं सर आप, इस टेम्पल को दिखाने का मेन रीज़न है इसकी ब्यूटी। हालांकि ये जो टेम्पल है इस प्रमाइसिस का सबसे लास्ट टेम्पल है, लेकिन इतना परफेक्ट टेम्पल है कि सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज इसी टेम्पल को किया गया था। इसका नाम है कंदारिया महादेव। कंदरा माने होता है केव्स, और रिया होता है लिविंग प्लेस। तो कंदराओं में रहते हैं शिवा, तो डेडिकेटेड बाय शिवा, इट्स अ शिव टेम्पल। हाइट जो है 117 फीट के समथिंग है, लेकिन सर ये इतना क्लियर है कि इसको फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक कहीं से भी आप देखें हर एंगल से ये डिफरेंट दिखेगा। और सबसे पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज हुआ था वो यही टेम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए जस्ट लाइक ए माउंट, एक पर्वत जैसा है, और इसका एंट्रेंस देखिए केव्स जैसा है। तो इसके पास भी चलेंगे, लेकिन इसे यहाँ से इसकी ब्यूटी क्लियर दिख रही है, इसलिए इसे मैंने आपको दिखाया। देखिए खजुराहो ऑलमोस्ट लोगों ने एक्साइटमेंट के लिए फेमस किया हमें, यानी काम कलाओं के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ तंत्र, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉलेज, इट्स नॉट अ वल्गैरिटी पार्ट। ये कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। देखिए उस समय की लाइफ, यानी कि उस समय की जीवन शैली को मूर्तियों के जरिए कुछ इस तरीके से सिम्बलाइज किया गया है कि इस तरीके से ये लगता है कि जैसे ये मूर्ति आपसे लाइफ को बयां कर रही हो, यानी कि लाइफ को बोल रही हो। तो अगर देखा जाए तो ये लाइफ की एक्टिविटी है। कहा जाता है आत्मा परमात्मा विलीन तो कब होती है, जब टोटल सेटिस्फैक्शन हो। तो टेंपल की आउटबॉल अनसेटिस्फैक्शन का पार्ट है, यानी कि सांसारिक सुख है। जब सांसारिक सुख आप छोड़ेंगे तभी भगवान की उपलब्धि होगी। तो इनसाइड आपको शायद ही कोई एक्साइटमेंट मिले, बाकी जितना भी ये पार्ट मिलेगा ये टेंपल की आउटबॉल पे ही मिलेगा। तो उन्हीं मूर्तियों को मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करने के लिए चल रहा हूँ। तो प्लीज आगे बढ़ के चलते हैं, देखते हैं। ये क्लॉक वाइज चलेंगे सर, उन लोग ऐसे राउंड सर्कल ग्रुप ऑफ मोनूमेंट वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये पूरा पार्ट वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन इसमें खजुराहो के नाम की डेफिनेशन भी आप देखिए। अगर लास्ट के थ्री पार्ट क्लोज करते हैं तो ये होता है खजूर, यानी कि डेट पाम ट्री। अगर इन पार्टों को क्लोज कर दें तो ये होता है राह, यानी कि वे रास्ता। तो इसका सीधा मतलब है कि खजूर के पेड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता खजुराहो। हियर द सराउंडेड अ डेट पाम ट्री, बट गार्डन मेंटेन करने के लिए इसको काट दिया गया है, क्योंकि ग्रीननेस और गार्डन की वजह से ये टेम्पल और भी परफेक्ट हो गए हैं। और थोड़ा आगे आएंगे, ये देखें सर आपके फ्रंट पे ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम है लक्ष्मण टेम्पल। लेकिन इनका कोई भी रिलेशन भगवान राम से नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में लक्ष्मण टेम्पल शायद ही आप कहीं देखें। होता क्या है सर कि अगर आप किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो जो आपका नाम है वही चलेगा। तो इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था यशो वर्मन ने, जो कि एक चंदेला किंग थे।
उनका जो पेट नेम जो परिवर्तित नाम था वो था लक्ष्मण वर्मन, उन्हीं के नाम पर टेम्पल का नाम है लक्ष्मण टेम्पल। अंदर जो डीटी है वो है विष्णु, लेकिन विष्णु भी नॉर्मल नहीं है, वो थ्री हार्डेड है। एक तरफ वराह फेस है, एक तरफ नरसिंह फेस है, मैन ह्यूमन फिगर मिडिल में, तो इसको बोलते हैं थ्री हार्डेड विष्णु, यानी कि रज तम तप तीनों गुणों को एक साथ सिम्बलाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि ये तीनों गुण एक ह्यूमन के अंदर होता है। रज यानी कि नॉर्मल पार्ट सॉफ्ट, तो वाइट बोर्ड, तो ह्यूमन जो है वेजिटेरियन होता है। तामसी प्रवृत्ति शेर, वो भी ह्यूमन के अंदर होता है। तपस्या का पार्ट ह्यूमन के अंदर होता ही है, तो ये तीन पार्ट हो गए। ये जो है ये पंचतन शैली का टेम्पल है, यानी कि फाइव टेम्पलों का एक ग्रुप है। देखिए सर्किल में फोर टेम्पल है और मेन टेम्पल मिडिल में, तो इसको बोला जाता है पंचतन। जो पंचतन टेम्पल होता है उसके सामने वाहन रखे जाते हैं, तो ये जो है गरुण का था, लेकिन किसी कारणवश इसमें गरुण की स्थापना ना हो पाई, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया गया है लक्ष्मी टेम्पल। तो ये लक्ष्मी है और ये विष्णु है। अब देखिए सर, पुराने समय से चला आ रहा है, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की निगरानी कर लेती है। देखिए आमने सामने है, ये देखती रहती है कहीं जा तो नहीं रहती, अभी भी ये सिचुएशन कभी कभार क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखें इट्स द थर्ड इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, ये विष्णु का तीसरा अवतार है वराह। ये है व्हाइट बोर्ड, ये सिंगल पीस है, एक ही रॉक का ये पूरा व्हाइट बोर्ड बना हुआ है। तो इसको अपन देखने के पहले एक इसका राउंड करके आते हैं। और इसका वजन 10 टन का, एक ही स्टोन से बनाया गया जो सैंड स्टोन, और ये वाला जो सैंड स्टोन है सर लोकल खजराओं का नहीं है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ने वाला चिकन होती है वहां से लाया। और इसके चारों साइड में जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं, मूर्तियां देख रहे हैं, वो 664 शेष भी बोलते हैं। देखिए ये है इंटरलॉकिंग, आइए मैं हल्का सा डेमो दिखा दूं आपको, चक्कर का है ऊपर का ना, यहाँ ये ऊपर का चक्कर है सर, लेकिन देखिए एक पार्ट मान के चलिए ये है जिसको मेल फीमेल आंकड़े भी बोलते हैं, दूसरा पार्ट वो उस पार्ट को इसमें फिक्स कर दिया। तो ऐसे तो कोई सर इसको निकालेगा नहीं, वो ऐसे इसको निकालना है नहीं, तो जहाँ जैसा स्पेस होता था वहाँ इंटरलॉकिंग दिया जाता है। ये इंटरलॉकिंग का पार्ट, इसको आमलक बोलते हैं सर, आमलक यानी कि आंवले का फल जिसमें स्लाइडें होती हैं, वैसी स्लाइडें हैं। दूसरी चीज़ ये लाइफ को भी दिखाता है, क्योंकि लाइफ आपकी कभी भी एक सिक्वेंसी में नहीं जाती है, अप डाउन होती रहती है, तो ये अप डाउन ही है। इसमें लॉक लगता है, इंटरलॉकिंग वो देखो, ये लॉक ऐसे इस तरीके का, ये इसमें घुसेगा टच है, ये वो है, ये है सर इसका बेस, टेंपलों का ये बेस इतना है, वो ये लगाया है, ये काफी डीप तक है सर, ये अपर पार्ट में नहीं है, अंदर काफी है, इसलिए अभी तक टिके हुए हैं। Thank you.